लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। केपी में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान। गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा, किसान परेशान। वज़ीर आज़म आज लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। डॉक्टरों ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। नवाज शरीफ ने मरकजी रहनुमाओं का अहम इजलास कल तलब कर लिया। पनामा लीक पर तहकीकात के हवाले से अमूर पर मुशावरत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार न्यूयॉर्क पहुँच गए। चौधरी निसार इंसदादी मंशियात के बारे में अक़वामे मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करेंगे। पाक फौज का छोटू गैंग के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन। वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाजें, कच्चे का इलाका सील। छोटू गैंग के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, कर्फ्यू फिर नाफिज कर दिया गया। भारतीय मफादात के लिए काम करने के बदले में तमाम सहूलतें मिलती थी। भारतीय हुकाम अपनी हदूद में आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी में ले जाते थे। ठट्ठा से गिरफ्तार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट सदाम का इतराफी बयान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां और स्नैप चेकिंग, तीन डाकुओं समेत 16 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 5 अफराद हलाक, 800 प्रवासी मंसूख, स्कूल बंद, 70,000 से जायद अफराद बिजली से महरूम। हंगामी हालत नाफिज, शहरियों को खबरदार रहने की हदायत। और पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन कबड्डी टीम की एशिया कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गई। कबड्डी टीम ने एशिया कप में कांसी का तमगा जीता।